क्वेश्चन नंबर फोर, एक्सरसाइज है आपका 8.4। ओके, क्वेश्चन नंबर कहते चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। तो फर्स्ट पार्ट क्या करें, देखो तो क्वेश्चन नंबर फोर का फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a इक्वल टू क्या होगा। तो अब थोड़ा इसको सिंप्लीफिकेशन करना होगा, 9 कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया क्या बचा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। आपने आइडेंटिटी पढ़ा हुआ बच्चे, 3 आइडेंटिटीज, उसमें से एक आइडेंटिटी था 1 प्लस आइडेंटिटी था, देख मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या था, सेक स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर इधर लाएंगे तो ये प्लस में है, इधर माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो अब देखो बच्चे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ए ना सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू कितना है 1 है, यानी ये 1 है, ये आपको आइडेंटिटी है, इसे याद रखना है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1, ये 1 है, 1 यहाँ लिख दो, दिस इम्प्लाई दैट ए इक्वल टू हो गया 9 इंटू 1, तो वही लिख देंगे। ए 1 क्यों हुआ, सिंस हम जानते आइडेंटिटी है ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना तो 1 होता है, ये लिख देंगे, यानी सिंस सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ओके 1, तो आंसर कितना हो गया 9 आ गया। देखो कौन सा ऑप्शन है, देखो 9 है इसमें ऑप्शन, देखो ऑप्शन बी, बी यानी बी होगी ऑप्शन, 9 की इक्वल है ये। ओके सेकेंड ऑप्शन इसमें कह रहा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, कहते इस दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है। ओके तो आते हैं हम लोग, करते हैं हम लोग, 1 प्लस टेन थीटा है, क्या है सेकेंड पार्ट, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा यही था, और इसमें क्या है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा यही है। ओके अब देखो बच्चे, जब इस तरह क्वेश्चन हो देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से आपको बहुत लंबा हो जाएगा, तो बेटर है कि इसे साइन और कॉस में चेंज करो। तो टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और सेक थीटा होता है 1 बाय कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉस थीटा रेसिप्रोकल होता है, लिखो चेंज करो साइन कॉस में, 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा। ओके यहाँ भी करेंगे 1 कॉट थीटा होता है कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है 1 बाय साइन थीटा। अब इसमें एलसीएम, कॉस थीटा एलसीएम होगा, कॉस थीटा इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, एलसीएम हो गया कॉस थीटा, तो ऊपर क्या है यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आ प्लस 1। ओके यहाँ हो गया साइन थीटा एलसीएम आएगा, साइन थीटा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ क्या आएगा माइनस 1। ओके अब देखो बेटे, यहाँ पे यहाँ भी साइन प्लस कॉस थीटा है, यहाँ भी साइन प्लस कॉस थीटा है। ओके ये प्लस 1 है, यहाँ माइनस 1 है, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया है, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इस तरह देखो ऊपर में कर रहे हैं मल्टीप्लाई, यानी क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको एक साथ कर दिया प्लस 1। ओके
अब इनटू यहाँ भी साइन थीटा है प्लस कॉस थीटा है अब माइनस वन है ओके। तो ये आगे बेटा ये ए है ए बी है और ये ए है ए बी है। तो ए देखो ए प्लस बी ए माइनस बी तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ओके। यानी ये समझो ये ए है ये वन क्या है बी है ए ए है वन क्या है यहाँ पे बी है ए प्लस बी है यहाँ पे ए माइनस बी है। तो आइडेंटिटी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। तो ये ऊपर आ गया बच्चे नीचे भी है नीचे भी लिखना पड़ेगा ना ओके एक मिनट ओके नीचे भी कॉस थीटा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ओके। तो मैंने क्या बताया आपका ए है ए बी है ए क्या ए है ए क्या बी है। तो क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए की जगह पर है ए की जगह पर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर बी है वन तो वन का स्क्वायर डिवाइड बाय कितना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसे एक्सपेंड करो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है एक्सपेंड करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आएगा ए स्क्वायर साइन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी तो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया इसको एक्सपेंड कर दिया माइनस वन का स्क्वायर तो वन का स्क्वायर वन हो जाएगा माइनस वन डिवाइड बाय कितना है डिवाइड है आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ओके। अब आपका आइडेंटिटी पता है फर्स्ट आइडेंटिटी क्या कहता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन तो ए की जगह पर थीटा है यहाँ पर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा वन होगा ओके इक्वल टू हो गया इसका वैल्यू हम क्या लिखेंगे वन वन प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस वन डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ओके। हम साइड में लिखना चाहे लिख लेंगे सिंस वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन ओके। अब जब यहाँ प्लस वन है यहाँ माइनस वन है कैंसिल हो गया तो क्या बचा ऊपर बचा ऊपर में टू साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जो साइन थीटा से कैंसिल होगा कॉस थीटा से क्या बचा ऊपर में टू आंसर हो गया टू ये हो गया टू जो एक्सप्रेशन है उस दोनों इसका दोनों का प्रोडक्ट क्या है टू की इक्वल है। तो ऑप्शन देखो क्या है इसमें टू है देखो तो ऑप्शन सेकेंड में सेकेंड पार्ट में ऑप्शन सी है सी ऑप्शन हो गया बेटा ये टू की इक्वल है। आते हैं थर्ड पार्ट सेक ए प्लस टेन ए इंटू है वन माइनस साइन ए इक्वल टू क्या होगा सेक ए प्लस टेन ए कितना है सेक ए प्लस टेन ए इंटू वन माइनस साइन ए कहते इसका वैल्यू बताइए ओके। तो साइन कॉस में चेंज करो साइन में तो इसको भी साइन कॉस में चेंज करो तो सेक ए होता है वन बाय कॉस ए वन बाय कॉस ए और टेन ए होता है साइन ए बाय कॉस ए इंटू वन माइनस साइन ए कॉस देखो दोनों डिनोमेटर में कॉस है तो कॉस एलसीएम आ जाएगा कॉस ए ऊपर क्या रहेगा वन प्लस साइन ए ओके इंटू वन माइनस
साइन थीटा, यानी ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि वन प्लस साइन ए इंटू वन माइनस साइन ए डिवाइड बाई क्या कॉस ए। ओके, अब देखो बच्चे यहाँ पे वही आइडेंटिटी आ गया, ए प्लस बी है, ए है, ए बी है, ए है, ए बी है, एक में प्लस एक में माइनस है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज कर लो। ओके, तो ए है वन, तो वन का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है साइन है, तो वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसे, वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए। अब तो वन का स्क्वायर क्या है, वन माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए, तो वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर ये होता है कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए। बेटा आइडेंटिटी हमने बताया था ना, पहला आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन होता है। अगर हम साइन को इधर ले जाएं तो प्लस है क्या माइनस हो जाएगा इस साइड, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, तो वन माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर ए इक्वल है, हम वन माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, तो वही लिख दिया, इसके जगह पर लिख दिया कॉस स्क्वायर ए, तो आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। ओके, फर्स्ट आइडेंटिटी है। ओके, तो कितना आ गया, तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस दो बार मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया कॉस ए इंटू कॉस ए डिवाइड बाय कॉस ए, तो कॉस ए कैंसिल हो गया, क्या बचा कॉस ए बचा हुआ है कॉस ए, ये आंसर हो गया, जो एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू कॉस ए के इक्वल है, यानी इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आया कॉस ए, तो वो ऑप्शन में है कॉस ए थर्ड पार्ट, इसका वैल्यू कितना आया हमको कॉस ए, तो है ऑप्शन में कॉस ए, यस ऑप्शन डी। अब आते फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या है बताओ, एक वन प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई वन प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल है, तो इस चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है बताना है। ओके, तो स्टार्ट करते हम लोग, वन प्लस टेन स्क्वायर फोर्थ पार्ट, वन प्लस वन प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो बेटे कॉट और टेन में रिलेशन होता है, अगर इसको भी टेन में कन्वर्ट कर लें, टेन में या तो टेन को कॉट में कन्वर्ट करो या कॉट को टेन में, अगर इसको हम टेन में कन्वर्ट कर लें तो क्या आएगा, देखो तो कॉट होता है वन बाई टेन ए, क्या होता है वन बाई टेन ए, इसके जगह पर क्या लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू लिखेंगे वन डिवाइड बाई टेन स्क्वायर ए। लिखेंगे वन प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय वन प्लस वन बाय टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ एलसीएम लेना होगा, एलसीएम आएगा टेन स्क्वायर ए, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस तो आता है आपको, कितना आएगा वन प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय ये आएगा टेन स्क्वायर ए प्लस वन, और एलसीएम कितना आएगा टेन स्क्वायर ए। ओके, ये आ गया इसका, बेटा ये क्या है डिवाइड में, तो जैसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते टेन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया वन प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू, तब ये टेन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय क्या होगा ये क्या है वन प्लस टेन स्क्वायर ए, वन प्लस टेन स्क्वायर ए। अब जो क्या हो गया कैंसिल हो गया, वन प्लस टेन स्क्वायर ऊपर भी नीचे भी कैंसिल हो गया, क्या बचा ये बचा टेन स्क्वायर ए, आंसर क्या हो गया
टेन स्क्वायर ही आंसर आ गया, टेन स्क्वायर ही। ओके, बस कुछ नहीं किया हमने, क्या किया, टेन को कॉट में चेंज कर, कॉट को टेन में चेंज कर दिया। हम जानते हैं कॉट ए इक्वल टू द वन बाई टेन ए, इसी को चेंज किया, इसको हमने क्या किया इसमें चेंज कर लिया, चेंज करने में एलसीएम लिया, तो कुछ कैंसिल होने वाला कैंसिल हो गया, जो बचा टेन, आपको क्या बच गया टेन स्क्वायर ए, आंसर हो गया टेन स्क्वायर ए। अब देखो टेन स्क्वायर ए है कहीं पे ऑप्शन में, टेन स्क्वायर ए क्या प्रेजेंट है, यस ऑप्शन डी है, टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। आप चाहो तो ऐसे आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं, देखो बच्चे ऐसे भी अगर आप चाहो तो, वन प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, और वन प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है थर्ड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी क्या होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। अब इसे हम चाहते हैं साइन कॉस में चेंज कर लें, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक स्क्वायर ए की जगह पे लिखेंगे वन बाय, वन बाय कॉस स्क्वायर ए। ओके, वन बाय कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय, और कोसेक, इस कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू वन बाय वन डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए। ओके, अब देखो क्या हो, ये एक्चुअली ये डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो क्या साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये क्या है वन डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए है, तो कितना आएगा देखो, ये आएगा वन डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए इन टू, ये कितना हो जाएगा, ये होगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय वन। अब देखो साइन स्क्वायर ऊपर है और कॉस स्क्वायर नीचे है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर दोनों पे है इक्वल टू क्या होगा साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए का होल स्क्वायर, और साइन बाय कॉस क्या होता है टेन होता है, तो इक्वल टू कितना आ गया टेन ए स्क्वायर आ गया, टेन ए का स्क्वायर, ये करना तो हो गया ऑप्शन डी। क्या क्या स्क्वायर एंटी यूज किया, सेक स्क्वायर बाय कॉस, कोसेक स्क्वायर हो गया, सेक को कॉस में चेंज किया तो वन बाय कॉस स्क्वायर हो गया, कोसेक स्क्वायर को साइन में चेंज किया तो वन बाय साइन स्क्वायर ही हो गया। अब ये चूंकि साइन स्क्वायर क्या है, ये आपको कहाँ चला जाएगा न्यूमिनेटर में चला जाएगा, तो चला गया, तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, स्क्वायर दोनों पे तो होल स्क्वायर कर दिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये कितना होता है टेन स्क्वायर, साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए कितना होगा टेन ए स्क्वायर है, तो टेन स्क्वायर ए आ गया, यानी ए किसके इक्वल है टेन स्क्वायर ए के इक्वल है। आप ऐसे भी कर सकते हैं आइडेंटिटी यूज करके, हमने पहले कैसे किया था, हमने कॉट को टेन में चेंज कर दिया, एलसीएम लिया, सिंपलीफाई किया तो वन प्लस टेन स्क्वायर कैंसिल आ गया, तो वन यानी आपको टेन स्क्वायर ए रिमेनिंग बचा हुआ बच गया। ओके ओके बच्चे, तो आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया फोर, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।